गाइस किस तरीके से आप लोग जो कि आपके पास प्रोडक्ट भी रख सकते हैं और गाइस आप जो कि रिफंड भी ले सकते हैं, किस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस ऑनलाइन से शॉपिंग तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आता है जब आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया और गाइस आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट और गाइस आपको जो कि टूटा फूटा प्रोडक्ट मिला। तो गाइस तब आपको क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, कभी कभी तो ये भी होता है। तो गाइस आपको जो कि सेलर रिटर्न कर देता है या रिफंड दे देता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि गाइस आप लोगों को सेलर रिटर्न भी नहीं देते और गाइस रिफंड के लिए भी रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब आप अगर रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो गाइस ये रिटर्न या रिफंड को रिजेक्ट कर देता है। तो गाइस तब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास वो प्रोडक्ट भी रह जाएगा और गाइस आपको रिफंड भी मिल जाएगा, इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गाइस किस तरीके से आप लोग जो कि आपके पास प्रोडक्ट भी रख सकते हैं और गाइस आप जो कि रिफंड भी ले सकते हैं, किस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कि आपको ज़्यादा बार ट्राई नहीं करना चाहिए और गाइस ये जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अकाउंट में ही ट्राई करना चाहिए, ठीक है, मतलब एक फ्रेश अकाउंट में आपको ट्राई करना चाहिए। तो गाइस देखिए ये जो कि गलत इस्तेमाल मत करना, कोई आप लोगों को से मैं यहाँ पर टूटा फूटा प्रोडक्ट या मिसिंग प्रोडक्ट के ही बारे में बताने वाला हूँ। मतलब ये प्रोडक्ट अगर आपको डिलीवर हुआ तभी आप इसको ट्राई करना, मगर आप ये जो कि गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बनाया था फ्लिपकार्ट में आप किस तरीके से रिफंड ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ना देके, मतलब प्रोडक्ट को रिटर्न करके भी आप किस तरीके से प्रोडक्ट मतलब रिफंड ले सकते हैं। तो गाइस ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो गाइस बहुत सा भाई ने यहाँ पर कमेंट किया था, भाई एक ये ट्रिक्स अमेजोन के ऊपर बताओ, मतलब अमेजोन में किस तरीके से हम रिटर्न ले सकते मतलब रिफंड ले सकते हैं बिना किसी प्रोडक्ट को भेजे, मतलब प्रोडक्ट को रिफंड मतलब रिटर्न ना करके किस तरीके से हम रिफंड ले सकते हैं। तो गाइस आज की इस टॉपिक में ही हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट को रख सकते हैं और गाइस रिफंड ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको आपको गलत इस्तेमाल मत करना। तो गाइस आपका यहाँ पर जो कि एक ही से दो बार एक अकाउंट में ट्राई करना चाहिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताया था। तो गाइस फ्लिपकार्ट में यहाँ पर जो कि प्रोडक्ट आने के बाद आपको ये सब करना चाहिए था, और गाइस अमेजोन की आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो गाइस सबसे पहले जब आप अमेजोन में ऑर्डर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो गाइस ये आपको ट्राई करना चाहिए 500 के अंडर, मतलब आप 500 के अंडर ये ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सॉल्व होगा, मतलब ये चांस बढ़ जाता है रिफंड देने का। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको दो स्टेप बता देता हूँ। तो पहला स्टेप है आपको यहाँ पर ऑनलाइन से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखना है, आपको ऑनलाइन मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन से पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो गाइस पहले आपको पेमेंट कर देना है ऑनलाइन से, और गाइस जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा तब आपको यहाँ पर फ्लिप मतलब अमेजोन कस्टमर केयर को कॉल करके ये बताना है क्या आपका सिस्टम में कोई दिक्कत आया है, ठीक है। तो गाइस ये आपको पूछना है। तो गाइस ये लोग पूछेगा क्यों, तो गाइस आपको बताना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे डिलीवर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर डिलीवर शो हो रहा है, क्या आपके अकाउंट मतलब क्या आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है। तो गाइस ये आपको बोलना है। तो गाइस सिस्टम जब आप इसको बताएंगे तो गाइस उन लोग बताएंगे सॉरी सर मैं यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। तो गाइस थोड़ा बार यहाँ पर चेक करने के बाद ये लोग यहाँ पर से आपको माफ़ी चाहेंगे, और गाइस वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर से दुखी हो या आपका जो मतलब उसका जो कस्टमर है एक कम जाए, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि को कोई भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर डिलीवर हो रहा है। तो गाइस उन लोग यहाँ पर से आपके पास से एक टाइम चलाएगा, मतलब आपके पास से थोड़ा सा वक्त ले लेगा, और गाइस उसके बाद आपको जो कि रिफंड या सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको देने के लिए पूछेगा। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना चाहिए, अगर आप लोग सेम टू सेम प्रोडक्ट चाहते हो तो गाइस सेम टू सेम प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपको रिफंड चाहिए, तो गाइस वो लोग आपको जो कि 20 आवर्स के अंदर रिफंड दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो कि यहाँ पर से अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट को बिना भेजे आप इस तरीके से रिफंड ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो कि अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पर रिफंड ले सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नया होता है चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स और नया इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहता है। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर।